नमस्कार दोस्तों, मैं राज अम्बानी ग्रुप की ओर से पुनः आपके लिए एक बार काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूं, जो कई एक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे, तो आइए इसे हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर में सहायक मेमोरी या सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोम। प्रोम का फुल फॉर्म जो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसके बाद के क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कब किया गया था? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1969 ईस्वी में। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन की स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। पुनः इसके आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि निम्न में से कौन से अदिश राशि हैं? निम्न में से कौन से अदिश राशि हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। अदिश राशि में केवल परिमाण होता है, इसे भी आपको जानना चाहिए। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बॉयल के नियम के अनुसार। पुनः हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से क्या परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बड़ी आंत। बड़ी आंत जो है परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है, जबकि हृदय, रक्त और धमनियाँ हैं। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। कंप्यूटर की भौतिक स्मृति से संग्रहित परिणाम निकालने की प्रक्रिया को जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आउटपुट प्रोसेस। पुनः हम लोग देखते हैं कि टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? टैक्सोनॉमी के जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्ल लिनियस को टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? सापेक्षता का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे वार्क भी कहते हैं, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई। इसके बाद के प्रश्न हैं कि सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। पुनः देखते हैं कि सेब से संबंधित रोग को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, फायर ब्लाइट। सेब में जो रोग होता है उसे फायर ब्लाइट के नाम से जाना जाता है। पुनः देखते हैं कि लाइकेन एक ऐसा जीव है जो चेतावनी देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण का। इसके बाद के महत्वपूर्ण सीरीज में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना जो है उत्तराखंड में स्थित है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टिहरी हाइड्रो पावर कॉम्प्लेक्स। दोस्तों, इस सीरीज के अंतर्गत जो राज अम्बानी ग्रुप की ओर से आते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपके समक्ष लेकर के आता हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आगे हम लोग देखते हैं। प्रश्न है कि जो तिरंगा झंडा अष्टुगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंदुलाल याग्निक। पुनः अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन में नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा। पुनः हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा पुरस्कार केवल संगीत से
संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रैमी। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का पहला प्रयास किसने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। पुनः काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे हम लोग देखते हैं कि सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है। सूर्य का चमकता हुआ सतह क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फोटोस्फीयर। दोस्तों राज अम्बानी ग्रुप की ओर से ये सारे प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण लाए जाते हैं जिन्हें आपको बार बार देखना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं कि मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1921 से 1922 ईस्वी के बीच। पुनः हम लोग प्रश्न देखते हैं कि भारत सरकार ने इंद्रधनुष फ्रेमवर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसके लिए किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पुनरुद्धार करने के लिए। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि एन की मुद्रा किस देश की मुद्रा एन है, किस देश की मुद्रा एन है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जापान। इसके बाद के प्रश्न हैं कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध लड़ा था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिराजुद्दौला ने। पुनः अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि कौन से राष्ट्र ने 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में। इसके बाद के प्रश्न को देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है। प्रसिद्ध गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कर्नाटक में। पुनः अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था। काफ़ी महत्वपूर्ण है जो तिथि सहित पूछता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को। पुनः हम लोग देखते हैं कि जालियांवाला बाग नरसंहार किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इन्हीं के दौरान जो है जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था, जिसमें वायसराय जो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। दोस्तों ये सारे प्रश्न जो हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद के प्रश्न हम लोग देखते हैं निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग हमारा संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भूरा। उर्वरक क्रांति से जो रंग संबंधित है उसे हम लोग भूरा कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न हैं कि पृथ्वी ग्रह का वह क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैव मंडल। पुनः इसके प्रश्नों में आगे के प्रश्नों को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में विधान परिषद है। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों में विधान परिषद है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी, आंध्र प्रदेश। इसके बाद के प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय है जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यू यॉर्क। इसके बाद के प्रश्न देखते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP हमारा क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NNP का मतलब होता है GNP माइनस डेप्रिसिएशंस, या जिसे मूल्यह्रास हम लोग कहते हैं। इसके बाद के प्रश्न को हम लोग देखते हैं, भारत की संविधान सभा के विचार पहली बार
किसने दिया था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, M.N. राय ने भारत की संविधान सभा का पहली बार विचार दिया था। इसके बाद के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं कि इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। इनमें से कौन प्रसिद्ध संतूर वादक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव कुमार शर्मा। पुनः आगे के प्रश्न देखते हैं कि 49वीं समानांतर सीमा रेखा किनके बीच स्थित है? तो दोस्तों 39वीं समानांतर पैरेलल रेखा जो है वो आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित है। तो दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आया हूँ। आशा है कि ये सारे प्रश्न आपको पसंद आएंगे तथा एग्जाम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगर ये सारे प्रश्न आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल राज अम्बानी ग्रुप को एक बार लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।